और राजस्व रोजगार में अहम योगदान देने वाले पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे कि वर्ल्ड टूरिज्म में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कम से कम 1% किया जा सके। लेकिन अब भी इस कोशिश में कई व्यवस्थागत और नीतिगत बाधाएं खड़ी बड़ी एक चुनौती बनी हुई। पेश है ये रिपोर्ट। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को समेटे हमारे देश में दर्जनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विरासत ही नहीं पर्यटन के नजरिए से भी काफी अहम है। सरकार की कोशिश है कि पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं का उद्योग और रोजगार की दृष्टि से विस्तार किया जाए। वर्ष 2020 तक देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुना करने की सरकार की योजना है और इसके लिए अभी से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देश में इस वर्ष पहली छमाही में 6,721 वीजा आगमन पर जारी किए गए, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.4% अधिक है, पर अभी भी इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। वीजा ऑन अराइवल उन कंट्रीज से होना चाहिए जो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट है। दूसरा, हम आईटी में इतने एक्सपर्ट हैं, पूरी वर्ल्ड के लिए हम ई वीजा क्यों नहीं कर देते हैं? सर्विस टैक्स अबॉलिश होना चाहिए। तीसरा, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस, वो भी होना चाहिए। चौथा क्या है कि जो विद इन कंट्री एयरलाइन के फेयर्स हैं, वो दिल्ली बैंकॉक से आप चेन्नई चले जाएंगे वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, या दिल्ली कोलंबो होके आप कोचीन या ट्रिवेंड्रम जाएंगे वो ज़्यादा सस्ता बजाय डायरेक्टली जाने के लिए। घरेलू मोर्चे पर अगर देखें तो पर्यटन स्थलों पर अपर्याप्त मार्गदर्शन, गंदगी, अप्रशिक्षित गाइड और पर्यटन स्थलों पर आवास और सुरक्षा की कमी भी इस क्षेत्र की बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। When we came here, we just came to know there's no one to guide us. So one suggestion from our side, it would be good if there's someone to guide us and let us know like what is basically Jantar Mantar is all about. मैं साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे, बहुत गंदगी अंदर पड़े रहते, कूड़ा करकट कभी इधर उधर, बहुत बोतलें पड़ी हैं पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स की, तो काफ़ी रैपर्स वगैरह पड़े होते हैं, तो सफाई की बहुत ज़रूरत है। थकी की ज़्यादा होती है, फॉरन को बहुत थका जाता है। Publicity, media, I think if you show that, I think there's a big need for volunteers and Western people enjoy volunteering. So if you marketed it through volunteer, come and volunteer and help out, then people will overcome, they won't be afraid of hygiene and problems and overcrowding. सरकार ने अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जनवरी 2010 से आगमन पर वीजा योजना शुरू की है। 6% सकल घरेलू उत्पाद और 9% रोजगार सृजन में हिस्सेदारी के साथ पर्यटन एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है और सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में इसमें दोगुने से ज्यादा विस्तार किया जाए। लेकिन तकनीकी और व्यवस्थागत खामियां, जिनकी वजह से विदेशी तो क्या देशी पर्यटक भी आने से पहले 10 बार सोचते हैं, अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत की परिकल्पना पर एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन गोपाल जी के साथ रमा त्यागी, टीटी न्यूज, दिल्ली। के साथ समाचार प्लस में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए।